Hello dear students welcome to the Royal Institute of Social Sciences this is our third lecture on political system of Pakistan and today topic of our lecture is parliament of Pakistan and our major focus in this lecture is on national assembly of Pakistan so let's start when we discuss about any parliament, we think that either it is a unicameral or bicameral in nature. So, students, when we talk about the parliament of Pakistan, the nature of a parliament of Pakistan is bicameral. It is called as a bicameralism. There is a two houses of a parliament of Pakistan. The uppermost house is called a senate, while the lower house is called as a national assembly. जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में दो ईवानी मुकन्ना है यानी कानून साज इदारे के दो ईवान हैं अपर हाउस को सेनेट कहते हैं जबकि लोअर को नेशनल असम्बली कहते हैं नाउ मूव टूवर्ड द कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली विच इज़ अ लोअर हाउस सबसे पहले हम बात करें कंपोजिशन की तो कंपोजिशन में पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें इस्लामाबाद सेंटर और उसको चार सूबों में तकसीम किया गया है तो सबसे पहले जो सूबा खैबर पख्तनखवा है इसकी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पचपन सीटें हैं जिन दस वोमेन की हैं जबकि पंजाब की एक सौ तिहत्तर जबकि 32 टू वोमेन के लिए मखसूस हैं सिंध की 75 फाइव एंड फोर्टीन फॉर वोमेन एंड ट्वेंटी फॉर बलोचि फोर फॉर वोमेन ऑफ इंक्लूडेड इन आल्सो ट्वेंटी कैपिटल की थ्री और माइनॉरिटीज की टेन जो इस तरह हो जाती हैं सिक्सटी रिजर्व फॉर वोमेन एंड थ्री थर्टी सिक्स इज टोटल सीट आर्टिकल फिफ्टी वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से देर आर थ्री थर्टी सिक्स सीट्स फॉर द नैशनल असम्बली इफ वी डिस्कस अबाउट द टेनियर तो उनके टेनियर की बात करें जब इलेक्शन कंटेस्ट करके विन करते है कोई भी मेबर तो वह पाँच साल के लिए पाकिस्तान की लोअर हाउस यानि नेशनल असम्बली का मेम्बर रहता है पाँच साल के बाद उसकी मदत ख़त्म हो जाती है और वह दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करता है क्वालिफिकेशन की बात करते चलें तो क्वालिफिकेशन कौन सा फ़र्द मेंबर नेशनल असम्बली बन सकता है तो वो पाकिस्तान को उसके लिए सिटीज़न होना लाजमी है एंड ही मस्ट बी अ ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ एज ही मस्ट बी अ साउंड माइंड ही मस्ट नॉट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर और गवर्नमेंट ऑफिशियल वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर का हिस्सा नहीं होना चाहिए ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए उस पर कोई इल्जाम ना हो या उसको दो साल तक कोई भी सजा न सुनाई गई हो इलेक्शन की बात करें तो इन पाकिस्तान देर इज अ डायरेक्ट मैथड ऑफ इलेक्शन फॉर द मेम्बर्स ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम द पीपल्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड जिस तरह हमने बात की कि नेशनल असेंबली को थ्री थर्टी सिक्स सीट्स में डिवाइड किया हुआ है दैट इज अ जिसमें से सिक्सटी तो वोमेन के लिए रिजर्व हैं बाकी जो बच जाती हैं टू सिक्सटी फाइव और टू सिक्सटी सिक्स वो आ जाती हैं हमारे पास डायरेक्टली कॉन्स्टिटेंसीज डिवाइड किया हुआ है कंट्री सारे को ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन एंड दे पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम देयर ओन कॉन्स्टिट्युएंसीज जिस तरह आप देख सकते हैं कि पंजाब की जो आबादी है वो तकरीबन ग्यारह बारह करोड़ है तो वहां पर वन सीट्स दी हुई हैं इसी तरह के की जो है आबादी कम है उसको कम सीट्स दी हुई हैं इसके बाद अगर हम बात करें पार्ज़ एंड फंक्शन की तो सबसे पहले किसी भी दुनिया के पार्लियामेंट का काम होता है कि अपने कंट्री के लिए अपनी स्टेट के लिए लेजिस्लेशन करना तो पाकिस्तान में जो पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का जो हम नेशनल असम्बली लोअर हाउस की बात कर रहे हैं तो लोअर हाउस का पहला फंक्शन यह है कि वो लेजिस्लेशन करते हैं कंट्रीज के लिए लॉ आई ला इट इज अ प्रोसीजरल लॉ इट इज अविलरी टाइप ऑफ लॉ मैरिज ला वो सारे के सारे से पास होते हैं अब फैडरल किसी भी कंट्री में तीन तरह की लिस्ट होती है एक फेडरल होती है एक प्रोविनशियल होती है एक कंकर्ंट होती है तो पाकिस्तान चूँकिशन है यहाँ पे अठारहवीं तरमीम के बाद मुख्तारी दी गई है इस वजह से फेडरल की जो सारी की सारी लेजिस्लेशन होती है वो कंकरेंट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की जो होती है वो वफाक करता है इसके बाद अगर क्लैश सूबों और वफाक में आ जाते हैं तो उसके नतीजे में वफाक का जो बनाया हुआ ला है उसको वैलिड माना जाता है इसके बाद कंट्रोल और एग्जेक्टिव इज सेकेंड पावर क्योंकि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री सेटअप गवर्नमेंट है यहाँ पे जो एग्जैक्टिव प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ एग्जैक्टिव है वो भी पार्लियामेंट से आते हैं पार्लियामेंट के मेंबर उसको इलेक्ट करते हैं इसी तरह उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी क्वेश्चन उसके से हो या वो जो कैबिनेट बनाते वो भी पार्लियामेंट से होती है जिस तरह किसी ने आ, कोई भी मिनिस्टर ऑफ रेलवे से पूछ सकते कि आपने बजट में इतने पैसे लिए थे आए इधर वो किधर लगाए गए नई बोकियाँ आई नए डब्बे आए रेल के लिए नई रेलें कितनी बनी इस तरह ये पूछ सकता है कंट्रोल ओवर एग्जैक्टिव है पार्लियामेंट का बिल्कुल इस तरह फाइनेंशियल कंट्रोल है पार्लियामेंट का जो मुल्क में तो जो पार्लियामेंट का पर्स ऑफ द कंट्री पे फुल कंट्रोल है क्योंकि बजट हो कोई भी बिल हो वो सारे के सारा कौन अप्रूव करता है पार्लियामेंट और उसमें भी लोअर असम्बली लोअर हाउस नेशनल असम्बली जो है ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं ये सिर्फ लोअर हाउस के पास होती हैं अपर हाउस के पास सच एज कोई खास पावर्स नहीं होती फाइनेंशियल इसके बाद अगर बात करें अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लोअर हाउस के पास ये भी अख्तियार होते हैं नेशनल असम्बली के पास वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है ये भी नेशनल असम्बली से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 25 अफराद की कमेटी बनाई थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसने ही अप्रूव किया था इसी तरह जो अप्रूव करता है वो उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते तो अमेंडमेंट करने का तरीका ये है कि वो अमेंडमेंट बिल कोई भी पर्सन आइदर इट इज़ गवर्नमेंटल पार्टी या अपोजिशन कोई भी अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट करेगा उस पर डिबेट होगी अगर टू थर्ड मेजोरिटी मिलती है तो उस पर क्या हो जाएगी अप्रूव हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक पाकिस्तान के सेवेंटी थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी सेवन अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इसके बाद जो है अगर बात करते चलें तो ये हमारे पास नेशनल असम्बली की पार्ज फंक्शन थी और ये कंपोजिशन थी होप दैट आपको समझ आई होगी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड कर दे और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम एक प्रॉपरली फेज के थ्रू अपनी वीडियोज अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान और अमेरिका के लेक्चर अब तक हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो